सोमवार को आषाढ़ी एकादशी के महापर्व के मौके पर बोरीवली के प्रबोधन का ठाकरे नाट्य मंदिर में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक विनोद गोसालकर द्वारा पिछले 18 सालों से लगातार प्रबोधन कला मंच के माध्यम से आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर इसका आयोजन किया जाता रहा है। इस मौके पर जब पूरे महाराष्ट्र से वारकरी और विठ्ठल भक्त दिंडी और पालकी लेकर हरि विठ्ठल के दर्शन को पहुंचते हैं, तो मुंबई में अभंग और भक्ति गीतों के साथ लोगों को पंढरपुर से जोड़ने की संकल्पना पूर्व विधायक विनोद गोसालकर ने की थी, जो इस बार पाहवा विठ्ठल के नाम से आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जो हम जो यहाँ प्रबोधन कला मंच की जो स्थापना की है सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए की, लेकिन संत परंपरा ये भी हम जब ये कली में जालना से आया, वहाँ से लोग जो दिंडी में देखी पंढरपुर में खेती करने वाले लोग और ज़्यादा से महिलाएं बारिश में वो दिंडी में शामिल होती है, एक अद्भुत पूर्व ये शक्ति है। हम नहीं जा सकते हैं तो हम यहाँ पंढरपुर का माहौल तैयार करने का प्रयास करते हैं। 18 साल ये सब आयोजन में मंगलाता इनका बहुत सहयोग रहता है, अच्छे कलाकार लाना, और अभी आप देखा ज्ञानेश्वर तुकाराम चौका मेला सब ये हमको देखने के लिए मिला। नहीं नहीं कार्यक्रम बोलेगा तो अभी आप देखा कल परेल में एक रक्तदान शिविर का बड़ा आयोजन किया था, वहाँ के लोगों ने 4000 बॉटल्स रक्त के जमा किए। अभी ये तो कार्यक्रम चलते ही रहेंगे, और शिवसेना कोई पॉलिटिकल विंग अलग है, लेकिन शिवसेना का हम जैसे जो कार्यक्रम करते वो स्वरूप भी अलग है, और हम लोग उस बाला साहब ने सिखाया और उस कला संस्कृति हमारे पक्ष प्रमुख और हमारे शिवसेना प्रमुख कलाकार थे, तो ये कला में भी हम लोग बाला साहब ठाकरे के पिताजी का नाम का प्रबोधन कर ठाकरे नाट्यगृह है वही से हम लोग शुरुआत की है। जब स्थापना हुई इसका उद्घाटन हुआ वो भी बाला साहब ने किया। प्रबोधन कला मंच के इस आयोजन में प्रसिद्ध गायिका मंगला खांडीकर पिछले 18 सालों से लगातार अपने साथी कलाकारों के साथ जुड़ी रहती हैं। इस बार भी कई बड़े कलाकारों ने इस भक्तिमय संगीत संध्या का हिस्सा बनकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। अपने अभंग भजन और भक्ति गीतों के जरिए उन्होंने न सिर्फ विठ्ठल स्तुति की बल्कि मुंबई में ही पंढरपुर जैसा माहौल और वातावरण बना दिया। बस इन्हीं के सहयोग से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं 2000 से। एक तो आप सब जानते हैं कि आषाढ़ी एकादशी एक महापर्व है महाराष्ट्र के लिए, और जगह जगह से महाराष्ट्र में पालखी और दिंडियाँ आती रहती हैं, और पंढरपुर का जो विठोबा है उसका दर्शन लेने के लिए सब आतुर हो जाते हैं। अब जो वहाँ नहीं पहुँच पाते उनके लिए प्रबोधन कला मंच ने 2000 साल से इस स्वर दिंडी का यहाँ आयोजन किया, जिसका शीर्षक है पाहवा विठ्ठल। अब विठ्ठल ये जो देवता है इसमें हरि और हर इन दो दैवतों का समन्वय है, तो हमने ये सोचा था कि जो आम रसिक जन है उनके लिए हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि जिसमें अभंग विठ्ठल का रूप उन्हें अनुभव करना एक सहज प्राप्त होगा, और इसी आकांक्षा और इसी अपेक्षा से एक प्रोग्राम संपन्न हुआ। हर साल मुझे नहीं लगता, विनोद जी बताएंगे आपको कि किस हालत में और किस कठिनाई का मुकाबला करते करते ये इस प्रोग्राम को हम अंजाम देते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जो इस मंच पर आया नहीं हो। और यहाँ आषाढ़ी का एक माहौल अलग ही माहौल होता है कि इसमें भक्ति धारा बहती रहती है, और हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे आने वाले वही वही लोग हैं और वो हर साल आते हैं, तो ये भी एक दिंडी है, ये भी एक पालकी है, और इस पालकी का सारा श्रेय इनको जाता है। जब ये राजकीय उनका काम अपनी जगह पे है, अलग है, लेकिन इस प्रोग्राम को का आयोजन करते समय उन्होंने सिर्फ यही देखा कि यहाँ एक सांस्कृतिक माहौल बना रहे, एक आध्यात्मिक यहाँ व्यासपीठ निर्माण हो, जो आषाढ़ी एकादशी के दिन बिना पंढरपुर गए भी पंढरपुर का आभास यहाँ निर्माण करे, और यही करते आए हैं हम लोग। बहुत विनम्र भाव से विठ्ठल की आराधना करते हैं, और शायद हर किसी कलाकार का मैं नाम ले सकती हूँ, यहाँ बड़ा और छोटा यहाँ आया है, और हम कहते हैं कि अपनी कला का अर्घ्य उन्होंने समर्पित किया है विठ्ठल के चरणों में। प्रसिद्ध गायिका मंगलाताई खांडेलकर की उपस्थिति में और उनके संयोजन में सुरेश बापट, सिरंग भावे, माधुरी करमरकर, इन लोगों ने जो कि संगीत की दुनिया में अपना बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने भक्ति भाव से लोगों को भाव विभोर कर दिया। संगीत का संयोजन प्रसाद ललित ने किया। इस कार्यक्रम में आमदार विभाग प्रमुख विलास पोतनी साहब,
प्रभाग समिति अध्यक्ष रिद्धि खुरसंगे, नगर सेविका गीता सिंघन, नगर सेविका तेजस्वी गोसालकर, मुंबई बैंक के संचालक अभिषेक गोसालकर, सरिता भावे आदि मान्यवर उप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम को पिछले 18 सालों से लगातार सफल बनाने के लिए पर्दे के पीछे से काम करने वाले विनायक सामंत और हलसर कुलकर्णी का इस कार्यक्रम में खास तौर पर स्वागत किया गया।